मित्रों बदा स्वागत है। मार्केट क्विकली तुम जुओ सेमीदारा में छे, मेजर कोई परिवर्तन नहीं, पण आगे हवे परिणामों तमने आवता जोवा मळेला छे। पूर्वांकरा परिणामों तमे जुओ तो मार्जिन्स अने एबिटा घट्या छे, पण सामे आवक अने खोटनी सामे नफो तमने जे छे ते कंपनी बतावती जोवा मळी रही छे। बधुं बातचीत करीए पूर्वांकराना सीईओ अभिषेक कपूर आपणी साथे। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार सीएनबीसी बाजार पर। और नंबर हम देख रहे हैं, इस बार मुनाफे में हैं हम, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी हमें नजर आ रही है। तो चर्चा की शुरुआत पहले तो ओपनिंग कमेंट सर आपके, कैसे देखे आपने नंबर्स को? इस बार मुनाफे में आए हैं हम लॉन्स के सामने, तो कैसे देख रहे हैं सर आप नंबर्स को? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यश। देखें आप, इस साल हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दो कॉन्टेक्स्ट पे देखना चाहिए। पहला तो ये है कि जो प्री सेल्स रही है वो काफी स्ट्रांग रही है, 3100 करोड़ से ज्यादा की प्री सेल्स रही है इस साल, और उसमें करीब 30% का ग्रोथ रहा है पिछले साल से कंपेयर। और दूसरा हमारा जो कैश फ्लो है वो 2250 करोड़ से ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी है उसमें काफी स्पीड अप हुआ है, ऑपरेशंस में काफी स्पीड अप हुआ है। तो ये तो दो सबसे की हाईलाइट है। तीसरा, हमने इस साल करीब 1560 अपार्टमेंट्स का डिलीवरी किया है, और जो लॉन्चेस किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्चेस हमने 6 मिलियन स्क्वायर फुट के किए हैं, तो 60 लाख स्क्वायर फुट का जो लॉन्च का मार्केटिंग का खर्चा है या जो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस जो होते हैं वो काफी सारे उसी साल में, उसी क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में आप लॉन्च कर रहे हैं उसके पीएनएल को हिट करते हैं, जबकि उसका जो मुनाफा है या जो टॉप लाइन है वो तब हिट होता है आपके पीएनएल को जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और हैंड ओवर होता है। तो अगर आप देखें तो जो मार्जिन है वो एक्चुअली इंटैक्ट है, बेटर ही है, लेकिन क्योंकि ये हम एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, जो न्यू लॉन्चेस के एक्सपेंसेस हैं वो इसके लिए हर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है क्योंकि फोकस कंपनी का डिलीवरी पे है। अगले साल इसी तरह अगर आप देखें, जैसे पिछले साल मैंने बताया 1560 के करीब हमने यूनिट्स डिलीवर किए हैं, अगले साल हम 3000 प्लस यूनिट डिलीवर करेंगे, मतलब 2023-2024 की मैं बात करूं, तो उसके मुताबिक, उसके हिसाब से रेवेन्यू नंबर होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि ऑब्वियसली बेटर होगा कंपेयर टू जो पिछले साल था। तो जो ये मार्जिन का फैक्टर होता है वो डिपेंडेंट होता है कि आप कितने एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं और कब बुक कर रहे हैं, और उसको जब आप डिलीवर कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। तो आई थिंक वो इंप्रूवमेंट है, कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट ये साल हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, विल बी मच बेटर। डेफिनेटली सर, अब इस मुद्दे पे जिस पे हमने मतलब पिछली तिमाही में भी बात की थी, वो है हमारा जो रॉ मटेरियल का प्राइस इन्फ्लेशन है, वो इस तिमाही में मतलब कि जनवरी से मार्च तक में कितना उन्होंने और परेशान किया है, और सीमेंट प्राइसेस, मेटल प्राइसेस अभी भी ऐसे कुछ आसार हैं कि बढ़ेंगे शायद और, तो इसे आप कैसे आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिषेक जी? जी देखिए, इस वक्त तो लग नहीं रहा है कि कोई खासा इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, और ये स्टेबलाइज होता नजर आ रहा है कि अनलेस कि ये क्रूड प्राइसेस में कोई अनडिजायर्ड अनएक्सपेक्टेड सिग्निफिकेंट चेंज हो, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है आज की डेट में, तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई खासा परिवर्तन होगा। और जहां तक इसका इम्पैक्ट होता है, नॉर्मली जो कमोडिटी प्राइसेस या कॉस्ट का इम्पैक्ट होता है वो नॉर्मली हम ट्रांसफर करते हैं, और वो प्राइस इंक्रीज से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने मार्जिन को, जो कि पास्ट में भी हमने किया है और इंडस्ट्री ने भी किया है। तो जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, हमको लगता नहीं कि उसके ऊपर कोई खासा इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट एक तरीके से आप देखें तो अगले साल हमने प्लान किया है करीब करीब 14 मिलियन स्क्वायर फुट हमारा अपना जो सेलेबल एरिया है, 16 मिलियन स्क्वायर फुट का, 1,60,00,000 स्क्वायर फुट का टोटल लॉन्च है डेवलपेबल एरिया का अगले साल में। तो हम जो प्राइस पॉइंट आज लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा मार्जिन बेटर ही होगा आगे चल के, क्योंकि वो प्राइस इन हमने ऑलरेडी प्राइस इन किया हुआ है हमारे कॉस्टिंग में जो करेंट प्राइसेस, तो इन दैट सेंस वो बेटर ही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे काफी न्यू लॉन्चेज इस साल आ रहे हैं, और दोनों सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमें काफी एडवांटेज। डेफिनेटली सर, अब आते हैं नए प्रोजेक्ट्स पर और क्या फोकस रहेगा, और जिस तरह से प्री सेल्स ऑब्वियसली मैं उस पर आने ही वाला था कि देख रहे हैं हम जिस प्रकार का एक जो डिमांड सिनेरियो बन रहा है उसे और आगे कैसे हम लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे, और कौन से प्रोजेक्ट्स है जिस पर अब हमारा फोकस रहेगा यहाँ से? अभिषेक जी,
जी यस, देखें 7 मिलियन स्क्वायर फुट, 70 लाख स्क्वायर फुट हम प्रोविडेंट में लॉन्च करेंगे अगले साल, और करीब 4 मिलियन स्क्वायर फुट हम पूर्वांकरा में लॉन्च करेंगे, और करीब करीब 4 मिलियन स्क्वायर फुट हम पूर्वा लैंड में लॉन्च करेंगे। तो इसमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ज्योग्राफी है वो करीब 8 सिटीज के हैं जिसमें लॉन्चेस हैं, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, कोची में है, पुणे में है। तो एक हमको ज्योग्राफी का एडवांटेज मिलता है, और दूसरा हमें एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का एडवांटेज मिलता है जिसमें प्लॉटेड का डेवलपमेंट है, मिड इनकम हाउसिंग है हमारे पास प्रोविडेंट में, लग्जरी है हमारे पास पूर्वांकरा में। तो एक इनहेरिट एडवांटेज है जिससे हमें सेल्स मोमेंटम कंटिन्यू दिखाई देगा। इनफैक्ट अगला क्वार्टर का भी रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे। तो ये जो कंटिन्यू लॉन्चेस हैं उसकी वजह से जो प्री सेल है उसमें और इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई देगा, और उसी तरह से कैश फ्लो में, और उसी तरह से डिलीवरी में, और उसका एक हम एक वर्चुअल साइकिल बना रहे हैं। इनफैक्ट अब फोकस ये है कि हम आगे का एक्विजिशन कैसे करें, और न्यू प्रोजेक्ट का एक्विजिशन करें, और जो इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट करें और उसको इम्पैक्ट बढ़ाएं। तो आज की डेट में हमारा फोकस अब ऑलरेडी इस साल के लॉन्चेस से लेकर अगले साल के प्लान को लेकर के है कि हम न्यू प्रोजेक्ट का एक्विजिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और उसके लिए अगले साल के लिए प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और सर एक आखिरी सवाल रहेगा अगले साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और कोई जियोग्राफीज जहां पर आप ऐड करने की कोशिश नए मार्केट में, या अभी फिलहाल जहां पर है उतने पूरा जोर लगाएंगे सर? जी देखिए, हमारा इस साल का फोकस क्लियरली न्यू एक्विजिशन का बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे में है। जहां तक मुंबई पुणे का सवाल है, डेफिनेटली हमारा एक्विजिशन प्लान और अग्रेसिव है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि उस मार्केट में हमारा अपॉर्चुनिटी काफी है और वैल्यू पर स्क्वायर फुट काफी है। तो जो अपॉर्चुनिटी हम आज इवेल्युएट कर रहे हैं वो इन्हीं 5 मार्केट में लेकर के हैं, और ऑफकोर्स कुछ मार्केट्स में हमारा फोकस, जैसे हम बॉम्बे में रियलाइजेशन और जो अपॉर्चुनिटीज हैं रीडेवलपमेंट की, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो हमारा फोकस यही 5 5 सिटीज में रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिकली हम और मार्केट्स में जहां पे हम प्रेजेंट हैं 8 सिटीज में, वो भी हम ट्राई करते हैं। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप बनाए रखें और मार्जिन में फिर से एक बार अच्छा रिकवरी देखने मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो આપણે વાત કરી પૂર્વાંકરાના સીઈઓ અભિષેક કપૂર આપણી સાથે જોડાયા હતા, પરિણામો બાદ ચર્ચા કરી છે, ખાસ સ્ટોક